السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, जैसा कि तुमसे पहले वाली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक्वा पैदा हो, अल्लाह का डर और खौफ तुम्हारे अंदर आए। तो ये अल्लाह तबारक व ताला का एक अहम फरीजा है जो इंसानों पर आयद किया गया है, और इस आयत से ये बात वाज़ेह हो गई कि ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा मुहम्मदिया पर नहीं फ़र्ज़ किया गया है, बल्कि तमाम मुसलमान कौमों पर फ़र्ज़ किया गया था। जो भी नबियों पर ईमान रखने वाली कौमें थीं, वो भी मुस्लिम ही थी। तो जो नबियों पर ईमान लाए वो सब मुस्लिम कहलाते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर जो ईमान लाए वो सब अहले ईमान थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये रोज़ा पहले की कौमों पर भी फ़र्ज़ किया था। और एक हदीस शरीफ में तो ये वारिद हुआ है कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे एक अमल बताइए कि जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैक बिस्सौम फइन्नहु ला मिथ्ल लहू, कि तुम रोज़े को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि रोज़े जैसी कोई इबादत नहीं। अल्लाह तबारक व ताला को बहुत ही पसंद है। हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, कुल्लु अमल इब्न आदम लहु इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही यदउ ताआमहु व शराबहु मिन अजली लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंद फितरिही व फरहतुन इंद लिकाए रब्बिही। फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, हुज़ूर ने हदीस में फरमाया कि आदम के बेटों के तमाम आमाल में रोज़ा अलग ही खसूसियत रखता है। रोज़ा वो ख़ास मेरे लिए है, वाना अज़ी भी, और मैं ही रोज़े की जज़ा दूंगा। अल्लाह तबारक व ताला किस प्यार से फरमा रहा है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। जज़ा तो हर अमल की अल्लाह ही देगा, लेकिन ये एक इस बात का इजहार है कि तुम समझ नहीं सकते कि तुम्हें कितना इनाम मिलेगा। रोज़े के बदले में जो इनाम मिलेगा वो समझ नहीं सकते। जैसे बादशाह कहे कि तुम ये काम करो, इसका मुआवजा मैं दूंगा, तो उसका कहने का मतलब बहुत आला होता है, फिर उसको इत्मीनान हो जाता है जिससे कह रहा है। तो ये बादशाहों का बादशाह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रोज़े का बदला मैं दूंगा। वाना अज़ी बिही यदउ ताआमहु व शराबहु मिन अज़ली,
कि बंदा अपना खाना पीना मेरे लिए छोड़ देता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है किस कदर अल्लाह को मोहब्बत है। لَخَلُقُكُمْ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ الْمِسْكِ के रोज़ेदार के मुंह से जो बू निकलती है मैदा खाली रहने की वजह से, भूख की वजह से, कुछ खाने पीने से रुकने की वजह से, तो वो बू अल्लाह तबारक व ताला को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद। لَخَلُقُكُمْ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ الْمِسْكِ। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फिल जन्नति बाबन युकालु लहु रय्यान ला यदखुलु मिन्हु इल्ला सायिमुन फइज़ा दखलु उग़लिका फलम यदखुल गैरुहुम। के जन्नत में एक दरवाजा मखसूस है जिस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे का मतलब रोजों से जिनको खुसूसी ताल्लुक था, रोज़ों को पाबंदी से अदा करने के साथ साथ उसके आदाब, उसके शराइत की रियायत और नवाफिल की कसरत करते थे, वही सिर्फ उस दरवाजे से दाखिल होंगे। और दूसरे अहले ईमान जिनका रोज़ों से इतना ताल्लुक नहीं था, फ़र्ज तो सबको रखना है लेकिन नफिल की कसरत भी इसमें शामिल है, तो वो उस वीआईपी दरवाजे से दाखिल होंगे। उसका नाम रैयान बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसे कभी आपने देखा होगा ख़ास प्रोग्राम होते हैं तो वीआईपी तबकों का अलग खैमा होता है और वो उनका दरवाज़ा अलग होता है, तो वहाँ खास कार्ड मिलता है कि जो ये कार्ड रखता होगा उसी को दाखिल होने दिया जाए। आवाम में कोई जाता है तो कहा नहीं तुम उधर से जाओ। तो ऐसे ही रैयान दरवाजे से जिनका रोजे से खुसूसी ताल्लुक होगा वो रैयान दरवाजे से दाखिल हो। उन सहाबी ने जिन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा था कि जन्नत में जाने वाला अमल बताइए, आपने फरमाया रोजे को लाजिम पकड़ लो। अपना ये मामूल बना लिया था कि रोजा ही रखते थे हमेशा, उनके घर से धुआं नहीं उठता था यानी पकाने के आसार नुमाया नहीं होते थे। कभी कोई मेहमान आया तो उसके खातिर वो इफ्तार करते थे, जब उनके यहाँ धुआं उठता था लोग समझ जाते थे पड़ोसी के आज इनके यहाँ मेहमान आए, वरना तो यहाँ तो धुआं ही नहीं होता, रोजे से रहते हमेशा। तो रोज़ा बहुत ही अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने वाला अमल है। हालांकि इसमें और भी फ़ायदे हैं रोज़े में इंसान के, लेकिन एक मोमिन को उन फ़ायदों से ज़्यादा सरोकार नहीं है। अल्लाह की रज़ा जो फ़ायदा है वो सबसे अधिक निशान फ़ायदा है कि मेरा रब, मेरा आका मुझसे राज़ी होगा। वरना तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये जो बंदे पर फ़र्ज किए हैं तो उसकी मसलहत और हिकमत है, रूहानी फ़ायदे भी हैं कि बंदे की रूह इससे नरम होती है, रूह में जो गलाजत आ जाती है, जो उसकी बारीकी और लताफत ख़त्म हो जाती है कि मादियत की वजह से जो हम दुनिया की ज़िंदगी की शक्लें देखते हैं, खाते पीते रहते हैं हमेशा, तो उससे हमारी रूह गंदी हो जाती है। तो रोज़े से वो रूह में पाकीज़गी आ जाती है फिर वापस, उसी की अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। लेकिन इसमें जिस्मानी फ़ायदे भी हैं, जिस्मानी फ़ायदे भी हैं कि इंसान इससे सेहतमंद रहता है और डॉक्टरों ने ये तहकीक बयान की है कि कई बीमारियाँ नहीं होती हैं और इंसान के अंदर जो फासिद मवाद पैदा हो जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो ज़्यादा हो जाती हैं खाने पीने की वजह से, फूड पॉइजन हो जाता है, तो रोज़ों की वजह से वो सब ख़त्म हो जाती है, उनसे नजात मिल जाती है। तो ये दूसरे फवाइद हैं जिससे मोमिन को उससे ज़्यादा तवज्जो नहीं होती है। अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने के लिए मोमिन रोज़े रखता है, लेकिन हमें रोज़ा रखना है लेकिन एक बात का ख्याल करना है, वो क्या है कि रोज़ा सिर्फ हमारा भूख और प्यास का नाम न है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही लजू, बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं कि भूखा प्यासा रहने के अलावा उनको कुछ मिलता नहीं, उनके हिस्से में कुछ नहीं आता है, हम उनमें से ना बन जाए सिर्फ भूखे प्यासे रह जाए। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि भूखे प्यासे तो रहे
अल्लाह ने जो हलाल चीजें की थी वो भी नाजायज हो गई हैं, वो तो अपने ऊपर नाजायज कर ली, लेकिन जो नाजायज है पहले से उनमें मुब्तला रहे। झूठ है, गीबत है, लोगों को सताना है, चुगलखोरी करना है, किसी को तकलीफ पहुंचाना है, जबान से बेहुदा बातें निकालना है, गाली बकना है, माँ बाप की नाफरमानी करना है, लोगों के हुकूक दबाना है, खयानत है, मिलावट है, और काम चोरी है, जो काम दिया गया है सौंपा गया है उसका पैसा लेते हैं। तो ये अगर हम करेंगे तो फिर हमारा रोजा वो हकीकी रोजा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे के आदाब फरमाए कि इज़ा काना सौम यौम अहदिकुम फला यरफुस वला यस्फ, कि जब किसी का रोजा हो तो बुरी बातें, बेहयाई की बातें ना निकालें और शोर ना मचाए और गाली गलौज ना करें। अगर कोई आदमी उससे गाली बके, उसको गाली बके तो वो कहे इन्नी साइमुन इन्नी साइमुन, मेरा रोजा है मेरा रोजा है, वो ये कहे खुद से कह दे कि नहीं ये जवाब नहीं दे सकता मेरा रोजा है मेरा रोजा। हमारे यहाँ तो देखा जाता है कि जब रोजे से होते हैं तो ज्यादा गुस्सा होते हैं लोग, और दूसरे लोग भी समझ जाते हैं रोजे से इनसे कुछ ना तो। ये गलत बात है, ये रोजेदार को तो और ज्यादा परहेजगार होना चाहिए। हम रोजेदार हैं, हम बुरी बात नहीं कर सकते, हम किसी को जवाब नहीं दे सकते। रोजे में किसी पर गुस्सा होना, किसी का गुस्सा किसी पर निकालना, ये शायन निशान नहीं। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बी फलैस लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु, कि जो आदमी बुरी बातें करना ना छोड़े और बुरे अमल ना छोड़े तो अल्लाह तबारक व तआला को इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। तो हम अगर बुरी बातें नहीं छोड़ेंगे, बुरे काम नहीं छोड़ेंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला हमारा रोजा कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए हमें इस महीने को जो हिदायत वाला महीना है, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद इसमें नाजिल फरमाया है शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, फरमाया रमजान का महीना वो माह मुबारक है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें हक और बातिल में फर्क करने की दलीलें हैं। तो कुरान मजीद वाला महीना है ये नाजिल होने वाला, हिदायत के नाजिल होने वाला महीना है, इसका मतलब हिदायत का इस महीने से खास ताल्लुक है, तो भटके हुए लोगों को हिदायत मिल जाती है। तो हम कोशिश करें कि हम अल्लाह की हिदायत से बेजियाब हो जाएं, अल्लाह की हिदायत हमें नसीब हो जाए। अगर हिदायत मिल गई तो जन्नत का रास्ता मिल जाएगा, हम खुद भी हिदायत पाएं और लोगों को रास्ता दिखाने वाले बने। रास्ता दिखाना हमारा काम है, मंजिल पर पहुंचाना अल्लाह तबारक व तआला का काम है। जो कहा जाता है कि हिदायत अल्लाह के जिम्मे में है, मतलब मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। और कुरान मजीद में ये भी बताया गया है कि हमारे बास बंदे हैं, हमने उनको ये दौलत दी है कि वो और रहबरी करते हैं, तो रास्ता दिखा सकते हैं बंदे लेकिन पहुंचा नहीं सकते। तो जब हिदायत का इससे खास ताल्लुक है तो हम दूसरे लोगों को समझाने वाले बने, जिनका रोजा नहीं है उनको समझाएं कि रोजा रखें, और जो बुराइयां करते हैं उनको बुराइयों से हम रोकने की कोशिश करें, अपनी मेहनत अपना मुजाहिदा बढ़ा दें। इसमें कुरान मजीद की तिलावत की कसरत भी होना चाहिए इस माह मुबारक में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद हजरत जिब्रील अलैहि सलाम को सुनाते थे और हजरत जिब्रील आपको सुनाते थे। और एक बात ये भी है कि सदक़ात और खैरात और लोगों की इमदाद में भी हमें इस महीने में ज्यादती करना चाहिए। आता है हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सखी थे, लेकिन रमज़ान के महीने में तो सखावत जैसे हवा का झोंका चल रहा है उससे भी ज़्यादा हुजूर का हाथ पहरा है और सखावत हो रही है। तो गरीबों की खिदमत करना, गरीबों को देना, अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के लिए एहसान नहीं जताना चाहिए किसी को देकर। तो ये रोजे के आदाब हैं, उनकी रियायत करके हम गुजारेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, वरना तो बहुत जल्दी गुजर जाएंगे और हम महरूम रह जाएंगे। देखो आज 6 रोजे हो गए हैं, जिनका रोजा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह
खैरियत के साथ हैं, और बल्कि और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नवाज लिया है। जिनका रोज़ा नहीं है उनके भी दिन गुजर गए हैं, ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो हमें ऐसे ही नहीं गुजारना है, बल्कि इंशाल्लाह पूरे आदाब के साथ पूरे रोज़े रखना है इंशाल्लाह, तभी ईद हमारे लिए होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ज़्यादा लोड पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर।